ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत कम पैसों में सच में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस पूरी तरह से GST फ्री है और ना ही इसमें कोई लाइसेंस वगैरह का ही तामझाम है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक बार भी भगाइएगा नहीं, क्योंकि पूरी वीडियो में हम सिर्फ इस बिज़नेस की स्ट्रैटेजी पर ही बात करेंगे। इस बिज़नेस को शुरू करने का बहुत अच्छा समय भी है ये, और बहुत कम लागत के साथ साथ इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, 100 से 150% तक का प्रॉफिट भी है। मैं इस काम के 2 मॉडल्स आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें से पहला उन लोगों के लिए होगा जिनके पास 50-60 हज़ार का बजट है और वे इतने पैसे लगा करके महीने का 1.5 लाख आराम से कमा लेंगे, और दूसरा उनके लिए है जिनके पास इतना बजट नहीं है, वे मात्र 10-15 हज़ार रुपये लगा कर ही महीने का 50 हज़ार या उससे भी ज़्यादा आराम से कमा लेंगे। देखिए, दोनों ही मॉडल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों की ही स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप 10-15 हज़ार लगाकर ही काम शुरू करते हैं, तब भी आप 1-2 महीने में ही इतना कमा लेंगे कि आप बड़े वाले मॉडल पर काम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि हमारे पहले बिजनेस मॉडल की क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं, गांव या शहर, दोनों ही जगह पर आप इसे शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस में अगर कंपटीशन और डिमांड की बात करें तो सिर्फ 3-4 राज्यों में जहां पर ये मिलता है वहां पर आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन मिल सकता है, लेकिन वहां भी करने का आपको ये फ़ायदा है कि आपको वहां पर माल बहुत सस्ते में मिल जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ना के बराबर लगेगी। बाकी पूरे इंडिया के गाँवों में तो इस बिज़नेस में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, क्योंकि गाँव की किसी रेयर ही मार्केट में ये मिलता होगा, जबकि ज़रूरत गाँव में भी इसकी उतनी ही है, लेकिन जब वहाँ पर मिलता ही नहीं है तो कोई यूज़ भी नहीं करता है, जबकि ये बहुत फ़ायदे की और हेल्दी चीज़ है। शहरों की बात करें तो शहरों में ये मिलता तो है, लेकिन आज भी किसी और बिज़नेस के मुकाबले इसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो देखिए, आपको अपने आसपास 5-6 निठल्ले लोगों को ढूंढ लेना है। निठल्ले मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो कुछ काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं है। ऐसे लोग गाँव में तो बहुत सारे मिल जाएंगे और शहरों में भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप उनसे बिना उनसे कोई पैसा लिए उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको उनसे बोलना है कि हम आप लोगों को डेली बेसिस पर 100-150 पीस एक चीज़ की देंगे और उसे आप लोगों को बेच करके शाम को हमें पैसे देने होंगे। आप उन्हें बताइए कि उन्हें एक पीस बेचने पर 15 से 20 रुपये बड़े आराम से मिल जाएंगे। बेचने को तो दिन भर में एक जगह से 150 से 200 पीसेस भी बिकते हैं, लेकिन आप उनको बताइए कि अगर वो 50-60 पीस भी एक दिन में बेच लेते हैं तो उनका दिन भर का 1000 रुपया तो आराम से हो जाएगा। उन्हें ये भी बताइए कि उनको सामान को लेकर घूम घूम कर नहीं बेचना है, उन्हें आसपास की अलग अलग मार्केट्स में या फिर किसी चलते फिरते रोड के किनारों पर बेचना है। उन्हें इसके लिए किसी दुकान की भी ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास ठेला है तो अच्छी बात है, या फिर साइकिल या फिर मोटरसाइकिल पर लादकर अपनी जगह पर पहुंचकर पल्ली या फिर बोरा बिछाकर नीचे भी बेचा जा सकता है। ये तो हो गई बेचवाने की स्ट्रैटेजी, अब हम जान लेते हैं कि आपका फायदा कैसे और कितना होगा। देखिए, ये माल आपको प्रति पीस 20 से 25 रुपये में मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। आपको प्रति पीस सिर्फ 10 रुपये लेना है, और जैसे कि मैंने बताया कि बेचने वाले प्रति पीस 15 से 20 रुपए कमाएंगे, यानी कि ग्राहक इसे 50 से 60 रुपए में पाएंगे और इसी रेट में ये मार्केट में धड़ल्ले से बिकता है। अब अगर आप ये काम सिर्फ 6 लोगों से करवा रहे हैं और एक लोग की एक दिन भर की सेल एवरेज मान लें 60-70 पीस या फिर महीने भर की 2000 पीस, तब भी सिर्फ 6 लोगों से आपकी महीने भर की कमाई 1,20,000 के आसपास होगी। शुरू में आप सिर्फ 5-6 लोगों से ही शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे कमाई और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, आप अपनी टीम में लोगों को बढ़ाते जाइए, उसी हिसाब से आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, कोई सोच सकता है कि आपसे ही लोग क्यों जुड़ेंगे, आपको ही क्यों मिलेंगे, आप ही से क्यों माल लेंगे, किसी और से भी ले सकते हैं। तो भैया देखिए, आप ही से इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आप उन्हें बिना पैसा लिए माल दे रहे हैं और माल बेच कर उनसे पैसा लेने की बात कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि माल बेच करके पैसा ना दे, तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि आप अपने आसपास के लोगों को रखेंगे, आप जिनको पर्सनली जानते होंगे, जिन पर भरोसा करते होंगे। कोशिश कीजिए कि आप नीडी और अच्छे लोगों को ही जोड़िए। इससे अच्छा काम क्या होगा कि आप खुद इतनी अच्छी कमाई करने के साथ साथ ही लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एक चीज और भी जान लीजिए,
ये प्रोडक्ट इतना डिमांडिंग है कि आपका ये बिजनेस कभी फेल हो ही नहीं सकता। ऊपर से जो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरह से काम शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरक्की आप इसमें कर सकते हैं। अब आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और आप इसे कैसे और कहां से मंगवाएंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने इसी बिजनेस के दूसरे मॉडल पर, जिसमें कोई 10-15 हज़ार लगाकर ही इस काम को शुरू कर सकता है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि दोनों ही मॉडल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस फर्क इतना सा है कि आपके पास शुरू में उतने पैसे नहीं हैं, तो आपको अपने आसपास अपनी ही तरह 5-6 और लोगों को ढूंढना होगा जो कोई काम शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन कम पूंजी के कारण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको ये सामान 3,000 पीस से कम मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी, इतना महंगा हो जाएगा कि आप उसे बेच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको 5-6 लोगों के साथ मिलकर बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करके एक गाड़ी माल मंगवा लेना है और आप लोगों को खुद ही बेचना है। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसे अकेले एक गाड़ी या फिर 5-6 लोग मिलकर के भी एक गाड़ी मंगवाते हैं तो आपको ये प्रति पीस 20-25 रुपए में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मार्केट में ये 50-60 रुपए में आराम से बिकता है, और इस बिजनेस मॉडल में आप इसे खुद बेच रहे हैं, मतलब एक पीस बेचने में इसमें आपको 30-35 रुपए आराम से मिलेंगे। ऐसे में अगर आप एक दिन में 50-60 पीस भी बेचते हैं तो आपका एक दिन का 1500-2000 रुपया बड़े आराम से हो जाएगा। बिकने का तो ये और भी बहुत बिकता है, लेकिन गिरी से गिरी हालत में आप कितना भी कम बेच पाएं तो भी आपका महीने का 50,000 रुपया तो कहीं नहीं जाने वाला। अब जान लेते हैं कि आपको इसे कैसे और कहां से लेना है। देखिए, ये इंडिया के साउथ के राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी मिलता है। आपको इसे कहीं जा करके नहीं पता करना है, आपको सीधा अपने फ़ोन में गूगल में आना है और सर्च बार में इंडिया मार्ट लिखना है और सर्च कर लेना है। फिर जो सबसे ऊपर पहला रिजल्ट मिलेगा आपको उसी पर क्लिक करना है। ऐसे में आप इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार मिल जाएगा, आप वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बिजनेस के पर्पज से सर्च कर सकते हैं। सर्च करते ही आपको ढेर सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। एक्चुअली ये सारे उस प्रोडक्ट के सेलर्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से इस पर रजिस्टर होते हैं। इसका फायदा आपको ये होता है कि आप बिना कहीं गए ही अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट के ढेर सारे सेलर से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, और इसकी वजह से आप बेस्ट रेट में अपना माल मंगवा पाते हैं। तो देखिए, आपको इसके सर्च बार में लिखना है टेंडर कोकोनट या फिर ग्रीन कोकोनट और सर्च कर लेना है। अब देखिए, वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आपको सेलर से कैसे बात करना है कि आपको ये सबसे सस्ते रेट में पड़े, इसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं, आपको कौन सी वैरायटी मंगवानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करना है, सब पर बात करेंगे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसमें आप नारियल सीधा किसानों से ले रहे हैं, क्योंकि ये किसान ही सेलर बन के यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। जनरली आपने जिन्हें नारियल पानी का बिजनेस करते देखा होगा वो लोग अपने आसपास की किसी मंडी से नारियल ले लेते हैं, जिससे उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि नारियल पानी का बिजनेस GST फ्री होता है, इसमें कोई लाइसेंस भी नहीं लेना होता है। आप जानते ही हैं कि ये सेहत से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर आम आदमी इसका ग्राहक है। इसके साथ साथ इसमें तगड़ा मुनाफा भी है, इसलिए बिजनेस तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए, मैं बता रहा था कि आप इसे इंडिया मार्ट पर सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको रिजल्ट्स में ए ग्रेड टेंडर कोकोनट्स, बी ग्रेड, इस तरह से मिलेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें ग्रेड क्या है। एक्चुअली नारियल अपने वजन और उसमें मौजूद पानी के हिसाब से 3 वैरायटीज में होता है, जिसको ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड कहते हैं। आपको सिर्फ ए और बी ग्रेड नारियल चाहिए, क्योंकि मार्केट में यही ज़्यादा चलता है, सब लोग इसे ही बेचते हैं। अब देखिए, जो आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे सर्च करने पर, उनमें से ज़्यादातर में आपको प्राइस भी लिखा रहेगा, जैसे 17 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 21 रुपीज़, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये मैं ए ग्रेड का बता रहा हूँ। बी ग्रेड तो आपको और सस्ते में मिल जाएंगे, आप ग्रेड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे ए ग्रेड टेंडर कोकोनट, बी ग्रेड टेंडर कोकोनट। अब आपको इनमें से कई सारे सेलर से बात करनी है। अमूमन जब आप उनसे मोल भाव करते हैं तो वो लोग जो वहाँ पर प्राइस मेंशन किए होते हैं उससे भी कम में देने को तैयार हो जाते हैं। मैंने खुद कई सारे सेलर से बात की और कस्टमर बनके उनसे सारी जानकारी ली। वो लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको ए ग्रेड इतने रुपए में देंगे पर पीस के हिसाब से। जब आपका ए ग्रेड का प्राइस मोल भाव करके फिक्स हो जाए
तब आप उनको बोलिए कि हम आधा आधा दोनों लेंगे, यानी कि ए ग्रेड आधा और आधा बी ग्रेड लेंगे। क्योंकि सच तो ये है कि वो आपको खाली ए ग्रेड दे ही नहीं सकते, खाली बोलते हैं ताकि रेट उनको उसका ए ग्रेड का मिले। वो लोग देते मिक्स ही हैं, लेकिन ए ग्रेड और बी ग्रेड के प्राइस में बहुत फर्क होता है। जैसे कि अगर वो खुद आपको ए ग्रेड का 20 रुपए में बोल रहे हैं, तो वो खुद आपको बोलेंगे कि बी ग्रेड वे 15 रुपए में देंगे। देखिए, बी ग्रेड के 90% नारियल मार्केट में ए ग्रेड की सेम प्राइस में आराम से बिक जाएंगे, इसलिए आपको ए और बी ग्रेड दोनों मिक्स लेने पर आधा आधा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप किसी से भी नारियल लेंगे तो वहाँ पे एक स्कीम होती है, लोडिंग के टाइम पे आपको हर 100 नारियल के बाद 5 नारियल एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। अगर आप उनसे कहते हैं कि आपको ये 100 में 5 एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो आपने जितना भी नारियल लिया है पूरी वैल्यू के बाद आपको 5% उसमें से प्राइस माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि आप 100 पर 5 एक्स्ट्रा नारियल लीजिए, या फिर जो भी प्राइस हो रहा है, जो भी आपने तय किया है शुरू में, उसमें से आपका 5% माइनस कर दिया जाएगा। वो लोग इसे खुद करेंगे, क्योंकि नारियल में ये रूल होता है। ये भी आपका एक बड़ा फायदा है। अच्छा, ये सब तो हो गई मोल भाव की बात, अब हम ये जान लेते हैं कि वहाँ से नारियल आएगा कैसे। देखिए, वो आपसे कहेंगे कि हम अपनी तरफ से अपने ट्रांसपोर्ट से गाड़ी करके आपके माल को भेज देंगे, लेकिन आपको कम से कम 3000 पीस लेना होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, क्योंकि जनरली आपको उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा पड़ सकता है। आपको अपनी एरिया के सबसे नज़दीक वाले किसी ट्रांसपोर्ट नगर में जाना है और आपको पता करना है कि आप जहां से माल मंगवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंगलोर से मंगवा रहे हैं और आपको लखनऊ में मंगवाना है, तो आपको वहां पर पता करना है कि कौन से ट्रांसपोर्टर लखनऊ बैंगलोर ऑपरेट करते हैं। आपको उनको बताना है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी आपकी गाड़ी बैंगलोर को जाए तो वापसी के टाइम पे मेरा माल ले आए। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको आधी तक पड़ सकती है। कुल मिलाकर अगर आप सेलर से अच्छे से मोलभाव कर ले गए, तो ए और बी ग्रेड के मिक्स नारियल आपको 15 से 20 रुपए में आराम से मिल जाएंगे। कितने ही सेलर्स ने अपने ए ग्रेड के नारियल का प्राइस खुद ही इतना कम मेंशन किया हुआ है। अच्छे से मोल भाव करके आपको इससे भी सस्ता पड़ेगा। और वैसे भी इंडिया मार्ट पर इतने सारे सेलर्स हैं जो कि किसान हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है। आप जितना ज़्यादा सेलर से बात करेंगे, आप उतना ही अच्छा रेट फिक्स कर पाएंगे। और जिस तरह से मैंने बताया है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम पड़ जाएगी, यानी आप इसे 20 से 25 रुपए प्रति पीस के हिसाब से आराम से ले पाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा कि डील फाइनल हो जाने के बाद आपको एक बार, सिर्फ पहली बार, वहाँ पर चले भी जाना चाहिए। जैसे 60-70 हज़ार खर्च करके आप माल मंगवा रहे हैं, 2-4 हज़ार और सही, वहाँ जाने से आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। क्योंकि वहाँ सिर्फ एक किसान तो होगा नहीं, हो सकता है आपको वहाँ जाकर माल और अच्छा और भी सस्ते रेट में मिल जाए। इसलिए अगर आप पहली बार वहाँ जा करके माल लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार मंगवा लेने के बाद फिर आपका रिलेशन बन जाएगा, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रही नारियल मंगवाने की स्ट्रैटेजी। मैं इसको बेचने के 2 मॉडल्स आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रैटेजी से ये बिज़नेस शुरू करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। वैसे अगर आप ये वीडियो YouTube पर डालने के 10-15 दिन बाद देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी। इस पर क्लिक करके आप नारियल से ही जुड़े एक ऐसे बिजनेस के बारे में जान सकते हैं, जिसे गांव और शहर कहीं भी कोई नहीं कर रहा है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।